Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start another chapter of class 10 geography and the chapter's name is water resources. So इस chapter में हम water as a resource के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किस तरीके से हम उसको बर्बाद कर रहे हैं और उसकी conservation की हमें जरूरत है. So अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं. सो लेट्स स्टार्ट विद आर चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस. सो यहाँ पे पहले एक डिस्कशन दी हुई है दो बच्चों के बीच में. तो जो बच्चा है वो बोलता है, हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड्स इन असम. तो जब ये बच्चे बात कर रहे हैं तब असम में फ्लड्स आ रखे थे. तो ये जो बच्चा है चिंटू, ये अपनी फ्रेंड पिंकी से बात करता है, बोलता है कि क्या तुमने असम में जो फ्लड्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग तुमने टीवी पे रिपोर्ट्स देखी. माय गॉड, व्हाट हैवोक दे हैव क्रिएटेड, इट हैज डिस्ट्रॉयड एंड स्वेप्ट अवे एवरीथिंग इन इट्स पाथ. तो चिंटू बोलता है कि जो बाढ़ आई है, जो फ्लड्स आई हैं, उसकी वजह से हैवॉक हो गया है. हैवॉक मतलब होता है विनाश हो जाना, सब कुछ तहस नहस हो जाना. तो जो बाढ़ है उसकी वजह से सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारी चीजें जितनी भी उस फ्लड के पानी के सामने जितनी भी चीजें आई उसके रास्ते में आई उन सबको वो फ्लड बहा के ले गया. फिर पिंकी बोलती है, यस चिंटू आई डिड, मतलब कि पिंकी बोलती है हाँ मैंने देखा, जो न्यूज वगैरह है वो मैंने देखी. इजंट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल. तो पिंकी कहती है थोड़ी अजीब सी बात नहीं है कि जो पानी जो है वो हमें लाइफ दे भी सकता है और लाइफ ले भी सकता है. मतलब कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है. तो उसी चीज के लिए जो पिंकी है बोल रही है, वट वुड वी डू विदाउट वाटर, तो हम पानी के बिना क्या करेंगे. We need water to drink, cook our food, wash our clothes and wash ourselves as well. पानी जो है उसकी जरूरत हमें पीने के लिए होती है, खाना पकाने के लिए होती है, अपने कपड़े अपने बर्तन ये सारी चीजें धुलने के लिए होती है और साथ ही साथ खुद को साफ करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. तो पिंकी जो है वो बताती है कि उसके फादर ने उसको बताया कि जो फैक्ट्री है, उसके फादर की जो फैक्ट्री है वहां पे वो पानी का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं. डिड यू नो दैट दे इवन नीड वाटर फॉर कूलिंग द मशीन. तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो मेरे फादर हैं उनके फैक्ट्री में पानी को मशीनों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है. जब मशीनें चलती हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से डर रहता है कि मशीनें खराब ना हो जाए या फिर वो माल फंक्शन ना हो जाए उनका. तो इसीलिए जरूरत होती है कि वो मशीनें ठंडी रहें. तो पानी का इस्तेमाल होता है मशीनों को ठंडा करने के लिए. इन फैक्ट द फैक्ट्री रन्स ऑन द पावर सप्लाइड बाय हाइडल पावर प्लांट. और यहां तक कि जो फैक्ट्री है वो किस बिजली पे चल रही है, उस बिजली पे चलती है जो बिजली हाइडल पावर प्लांट के थ्रू लाई गई है. मतलब कि जो पानी के मदद से जो बिजली बनती है उसके थ्रू, मतलब उस बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है इनके फैक्ट्री में. Now I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like spring, lakes, ponds and oases. तो पिंकी बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि पुराने टाइम से हम लोग क्यों पानी के सोर्सेस के पास रह रहे हैं, क्यों हम नदियों के पास हमने बसावट की. जैसे आप पुरानी सिविलाइजेशंस भी देखोगे तो जितने भी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं सब आपको नदी के पास देखने मिलेंगी. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है वहां पे आप देखोगे बहुत ज्यादा, मतलब जो लोग हैं वहां पे रहते हैं. ठीक है, तो मतलब कि पुराने टाइम से हम लोगों ने, इंसानों ने कहाँ पे रहना शुरू किया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी पास में है, चाहे रिवर हो, स्प्रिंग्स हो, स्प्रिंग मतलब जैसे छोटी नदी निकल के आती है, लेक्स मतलब जो तालाब हो गए, पॉन्ड्स, ओएसिस. ओएसिस मतलब कि जब रेगिस्तान में कोई छोटा सा पानी का स्रोत मिलता है, जैसे चारों तरफ जो है रेगिस्तान है और बीच में अगर वहां पे थोड़ा सा पानी मिलता है उसको ओएसिस कहते हैं. तो इन सबके आसपास जो है बसावट देखने मिली और ये पुराने टाइम से चला आ रहा है. तो पिंकी कहती है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है. सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमें और बहुत सारी चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है. यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. तो आपको ये तो पता ही है कि जो पानी है वो मतलब ज्यादा पाया जाता है हमारी धरती पे. हमारी जो अर्थ है वो 71% जो है पानी से घिरी हुई है और बाकी जो 29% एरिया है वो लैंड का है. तो हमारी धरती पे ज्यादातर क्या है, पानी है, 3/4 पानी है. और
बहुत ही छोटा सा ऐसा हिस्सा है उस पानी का जो कि फ्रेश वाटर के तरह हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो 71% धरती पानी से घिरी हुई है, तो वो जो टोटल पानी है उसका भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो ऐसा है जिसको कि हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं, बाकी पानी ऐसा है जो कि हम यूज नहीं कर सकते। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सर्फेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूली बींग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो फ्रेश वाटर है जिसे हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ये हम कैसे यूज कर पाते हैं, या तो जो सरफेस रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ मतलब ऐसा पानी जो आपको जमीन की सतह पे मिलेगा, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, पॉन्ड्स, तो ये सारी चीजें जो हमें सरफेस पे मिल रहा है। इसके अलावा हम फ्रेश वाटर कहाँ से लेते हैं, जमीन के अंदर से, ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम नल वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं पानी निकालने के लिए। तो नॉर्मली आमतौर पे हम फ्रेश वाटर कहाँ से ले रहे हैं, सरफेस रन ऑफ मतलब ये नदी लेक्स ये सब से, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर से। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सरफेस रन ऑफ और जो अंडरग्राउंड वाटर है ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिन्यू होता रहता है और रिचार्ज होता रहता है। रिन्यू और रिचार्ज कैसे होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। आपने वाटर साइकिल सुना होगा कि किस तरीके से पानी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है इस एटमोस्फेयर में। तो मान लो ये अर्थ है पूरी, अब इसके ऊपर पानी है, चाहे नदी है, चाहे लेक्स हैं, चाहे ये समुद्र है, तो ये जो पानी है ये क्या होगा, ये एवोपोरेट होगा। जब धूप होगी, गर्मी होगी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एवोपोरेशन होगा, मतलब पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। अब जब ये भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो क्या होगा, ऊपर ये बादल की फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉर्म होंगी, और क्या होगा, ऊपर जाके जो भाप है वो बूंद के फॉर्म में बन जाएगी और बादल का रूप ले लेगी। अब क्या होगा, जब ये बादल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे तो ये बादल क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में इस पानी को नीचे फेंक देंगे, नीचे डाल देंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब कि पानी के नीचे आने के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो बारिश की फॉर्म हो, चाहे स्नो हो, हेल हो, स्लीट हो, पानी जिस भी तरीके से नीचे आता है उस सबको मिला के हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, चाहे रेन की फॉर्म में, स्नो, स्लीट, हेल, सबकी फॉर्म में नीचे आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे जो पानी है वो वापस धरती पे आ गया। अब जब ये धरती पे आएगा तो नदियों में जाएगा, लेक्स में जाएगा, इसके साथ साथ जब वो ग्राउंड पे आएगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा, जो जमीन है वो इसको यहाँ पे सोख लेगी, और पानी जो है रिश्ता रिश्ता क्या होगा, नीचे पहुंच जाएगा, और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि पानी जो है वो रिन्यू हो रहा है, पानी इस साइकिल में घूम रहा है, ये वाटर साइकिल जो है वो चलती जा रही है। अब ये जो नीचे ग्राउंड वाटर यहाँ पे आया, अब इसे हम और आप क्या करेंगे, नल के तौर पे नल से निकाल लेंगे इसको पानी को, और जब नल से निकालेंगे हम यूज करेंगे, फिर वो पानी जो है नदी नालों में जाएगा, और फिर वो पानी वापस से इवेपोरेट हो जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर नीचे आएगा, तो जो साइकिल है वो चलती जाएगी। तो ये जो पानी है जिसे हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से रिचार्ज होता है, रिन्यू हो सकता है इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी जैसे मैंने अभी आपको ये वाटर साइकिल बताई, यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये इंश्योर हो पाता है कि ये जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रहा है, नया बनता जा रहा है। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज आर एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैसे तो हमारी जो धरती है वो पूरी पानी से घिरी हुई है, 3/4 जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, मतलब कि अगर हमने अपने पानी को यूज कर लिया, वो पानी यूज्ड वाटर नदी में जाएगा, नाले में जाएगा, और वो वापस से इवेपोरेट होकर एक तरीके से रिन्यू हो जाएगा। तो रिन्यू होने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों है कि आज हम इतने सारी जगहों पे सुनते हैं, कंट्रीज है, रीजन है, वहां पे पानी की कमी है, वहां पे लोग पानी की दिक्कत को झेल रहे हैं, तो इतने सारे पानी होने के बावजूद भी वाटर स्कैरसिटी क्यों है, स्कैरसिटी मतलब कमी है। व्हाई इज इट प्रिडिक्टेड दैट बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। तो जो स्टडीज हैं और रिसर्चेस हैं वो ऐसा क्यों बोलती हैं कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं वो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत से जूझेंगे, तो ऐसा क्यों है। सो इस चीज का आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर स्कैरसिटी क्या है और किस तरीके से जो इतना सारा पानी है उसके बावजूद भी हमें पानी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है, और इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।